अस्सलाम वालेकुम। आज हम ऑटोनॉमिक मूवमेंट इन प्लांट इसी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। ऑटोनॉमिक मूवमेंट की तीन टाइप हैं फर्दर। इसमें से फर्स्ट टाइप को हम डिस्कस कर चुके हैं, टैक्टिक मूवमेंट। आज हम बाकी दो मूवमेंट का भी जिक्र कर लेते हैं, सर्गर मूवमेंट और ग्रोथ मूवमेंट। अब इनमें से पहले हम सर्गर मूवमेंट का जिक्र करेंगे। जैसा कि नाम इंडिकेट कर रहा है कि ये मूवमेंट टर्गर प्रेशर में चेंजेस की वजह से होती है, ड्यू टू चेंजेस इन टर्गर प्रेशर। और टर्गर प्रेशर चेंज होने की वजह से सेल के साइज में भी चेंज आती है और इस वजह से प्लांट में मूवमेंट देखने में आती है। टर्गर मूवमेंट में दो ऑप्शन है। फर्स्ट ऑप्शन ये है कि टर्गर प्रेशर डेवलप होगा, इसकी वजह से सेल का साइज बढ़ेगा और इसका नतीजा कोई ना कोई मूवमेंट होगी। दूसरी ऑप्शन ये है कि प्लांट सेल में से वाटर लॉस होगा, सेल का साइज कम हो जाएगा और इसकी वजह से भी कोई ना कोई मूवमेंट होगी। अब टर्गर प्रेशर चेंज होने से प्लांट के पार्ट वाकई ही मूव कर सकते हैं? डेफिनेटली इसके लिए हमें एग्जाम्पल देखना पड़ेगा। एग्जाम्पल है जी पहली, स्लीप मूवमेंट। आपने ऑब्जर्व किया होगा कि कुछ प्लांट ऐसे हैं कि शाम के वक्त या रात के वक्त उनके पत्ते थोड़े झुक जाते हैं, प्लांट ऐसे महसूस होता है जैसे मुरझा गया है, और सुबह के वक्त दिन के वक्त यही लीफ दोबारा अपनी असल पोजीशन पे आ जाते हैं। तो चूंकि इवनिंग टाइम लीफ झुक जाते हैं और दिन के वक्त लीफ दोबारा अपनी असल पोजीशन पे आ जाते हैं, तो चूंकि इसमें शाम और दिन, रात और दिन का मामला है, इसलिए ऐसी मूवमेंट को स्लीप मूवमेंट कहा जाता है। तो बहुत कॉमन लैंग्वेज में, नॉन साइंटिफिक लैंग्वेज में आप ये कह सकते हैं कि रात के वक्त पत्ते ऐसे झुक गए जैसे सो गए हैं और दिन के वक्त लीफ तो इस तरह से अपनी पोजीशन पे उठ खड़े होते हैं कि जैसे जाग गए। मैंने कहा ये जो मैं बात बताऊँ ये नॉन साइंटिफिक लैंग्वेज है, लेकिन बहरहाल अब ये किस तरह से ऐसा मुमकिन है, ये जो बात मैं बता रहा हूँ कि रात के वक्त जो है वो लीफ लोअर डाउन हो जाए, झुक जाए, और दिन के वक्त लीफ दोबारा अपनी असल पोजीशन पे आ जाए। इसका मैकेनिज्म जरा समझ लीजिएगा, स्क्रीन पे ही ध्यान रखिएगा। अब जो लीफ है इसकी ब्रांच के साथ अटैचमेंट देखिएगा, स्टेम के साथ। ये हम सपोज कर रहे हैं कि ये स्टेम है ये, और ये लीफ है जो अपनी नॉर्मल हॉरिजेंटल पोजीशन पे, ये लीफ है, दिस इज लीफ। अब ये लीफ की पेटियोल है, ये
पैटी ओल पत्ते की डंडी है। अब इस पैटीओल का फर्स्ट पार्ट देखें, जो थोड़ा सा स्वोलन, थोड़ा सा मोटा, थोड़ा सा फूला हुआ है, इस मोटे पार्ट को आप कहते हैं पल्विनस। आपके टेक्स्ट बुक में भी लिखा हुआ है पल्विनस। तो पल्विनस क्या, पत्ते की डंडी का फर्स्ट पार्ट है जो ब्रांच या स्टेम के साथ जुड़ा होता है, और ये जुड़ा हुआ हिस्सा थोड़ा मोटा, थोड़ा फूला हुआ है। अब पल्विनस की जो लोअर साइड है, मैं इसको लोअर साइड को ब्लू कलर से हाईलाइट करने लगा ताकि आपको अंदाजा दे किस साइड की बात करें। ये तो पल्विनस की जो लोअर साइड के सेल्स हैं, जिनके वक्तिल में टर्गर फ्रेश डेवलप हो जाता है। इस टर्गर प्रेशर की वजह से पल्विनस में ये एबिलिटी आ जाती है वो पूरे पत्ते का, पूरे लीफ का बोझ उठा के रखता है, और लीफ अपनी नॉर्मल पोजीशन पे रहते हैं, जिसको आप हॉरिजेंटल पोजीशन का नाम दे रहे हैं। लेकिन शाम के वक्त या रात के वक्त क्या होगा, सिचुएशन चेंज हो जाती है। अब चेंज सिचुएशन क्या होगी कि देखिए, स्टेम या ब्रांच की असल पोजीशन तो ये है, अब ये लीफ जो है ये देखिए लोअर डाउन, ये नीचे की तरफ झुक गया है, और अब ये नीचे की तरफ झुकने की वजह मैं बताने लगा हूँ आपको। लोअर डाउन क्यों हुआ, ये जो पल्विनस की लोअर साइड के सेल हैं, जो मैं फिर ब्लू कलर में शो कर रहा हूँ, ये पल्विनस के जो लोअर साइड के सेल हैं, इनमें से टर्गर प्रेशर लॉस हो जाता है। जब टर्गर प्रेशर लूज हो गया तो पल्विनस लीफ का बोझ नहीं उठा रहा, और लीफ अपने ही बोझ से नीचे की तरफ झुक गया, लोअर डाउन हो गया। अब जब दोबारा फिर सुबह दिन का वक्त होगा, लाइट एनर्जी होगी, तो पल्विनस की लोअर साइड के सेल पे दोबारा टर्गर प्रेशर डेवलप होगा। पल्विनस के नीचे साइड पे टर्जिडिटी पोर्ट मुहैया करेगी, और लीफ ऊपर उठता हुआ दोबारा हॉरिजेंटल पोजीशन पे आ जाएगा। तो अब देखिए, लीफ हॉरिजेंटल से नीचे को झुक जाता है, फिर ऊपर उठाता है, तो ये ऊपर नीचे जो लीफ की मूवमेंट है, ये टर्गर प्रेशर के चेंज होने की वजह से हो रही है, इसे टर्गर मूवमेंट है। क्योंकि इसमें रात और दिन का भी हिसाब है, वो फैक्टर भी इन्वॉल्व है, रोशनी अंधेरा भी, इसलिए फिर इसको स्लीप मूवमेंट का नाम दिया जाता है। तो टर्गर प्रेशर की वजह से कौन सी मूवमेंट हो रही है, स्लीप मूवमेंट हो रही है। तो ये तरीका कार है जी स्लीप मूवमेंट का। लेकिन टर्गर प्रेशर में चेंज सिर्फ रोशनी की वजह से नहीं होता, इसके पीछे कोई और फैक्टर भी हो सकते हैं। अब वो अदर फैक्टर क्या हो सकते हैं, उस लिहाज से हम एक और टाइप को डिस्कस कर लेते हैं। प्रोमिनेंट एग्जांपल हमारे पास है रैपिड मूवमेंट ऑफ लीफ लेग। ये हमारे पास टर्गर मूवमेंट की एक और एग्जांपल है, रैपिड मूवमेंट ऑफ लीफ लेग। इसमें हमारे पास एग्जांपल है कौन सा प्लांट, मिमोसा। ये मिमोसा वही प्लांट है जिसे हम फर्स्ट में टच मी नॉट के नाम से पढ़ के आए थे, उर्दू में जिसको छुई मूल का पौधा कहते हैं, टच मी नॉट। अब मिमोसा प्लांट जो है, इसके लीफ कंपाउंड लीफ होते हैं। अब कंपाउंड लीफ एक्चुअली कैसे होते हैं, जरा स्क्रीन पर ध्यान रखिएगा। ये पूरा लीफ है, लीफ ये, लेकिन इसका लेमिना डिवाइडेड है, ये लीफ लेट्स में डिवाइड हो गया, एक लेमिना नहीं, लीफ का चौड़ा हिस्सा
छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड हो गई है। तो लीफ में ये हर छोटा पार्ट क्या कहला रहा है? लीफलेट। और ये पूरी ग्रीन स्ट्रक्चर एक लीफ है। इस तरह के कंपाउंड लीफ मिलेंगे किस प्लांट में? मिम्बोसा प्लांट। अब अगर मैं इस तरह से क्रॉस सेक्शन शो करूं, जरा ध्यान रखिएगा, मिम्बोसा लीफ का क्रॉस सेक्शन, तो ये दो लीफलेट आपको नजर आ रहे। अगर लीफलेट इस पोजीशन पे हैं, तो ये नॉर्मल पोजीशन है लीफलेट की। और यहां पे भी जो मैं रेड कलर का पोर्शन शो करने लगा हूं, ये अगेन लीफलेट का कौन सा पोर्शन है? पल्विनस, जो मैंने पहले बताया आपको, दिस इज पल्विनस। ये जो रेड कलर का पोर्शन है, ये लीफलेट का की अटैचमेंट वाला पोर्शन है पल्वी। आपकी टेक्स्ट बुक में पल्विनस ये लिखा हुआ है। ओके, जो ही आप इन लीफलेट को टच करेंगे ना, चाहे वो अपने हाथ से आप टच करें, चाहे वो बॉल पॉइंट से टच करें, किसी भी सॉलिड चीज से जब आप इसको टच करेंगे ना, तो ये लीफलेट फोल्ड हो जाती है। फोल्ड होने का मतलब ये है, यही नॉर्मल लीफलेट जो है, ये जब फोल्ड हो जाएगी तो बेटा यही लीफलेट अब आपको ऐसी नजर आएगी। स्क्रीन पे ध्यान रखिएगा, ये लीफलेट इधर को मूव करगी और ये इधर को मूव करगी, दोनों आपस में टच कर जाती है। जो ओपन फॉर्म में रही, इस फॉर्म को हम क्लोज फॉर्म कहते हैं। और थोड़ी देर के बाद जब टच का इफेक्ट खत्म हो जाएगा, तो लीफलेट दोबारा अपनी असल पोजीशन पे आ जाती है। अब सवाल ये है कि टच करने से ऐसा क्या हुआ कि लीफलेट मूव करती है दूसरे के साथ, टच करना शुरू हो गई और पत्ता जो पहले बाजार खुला हुआ नजर आ रहा है वो बंद नजर आएगा आपको? ऐसा क्यों हुआ वो जरा देखिएगा। जो ही टच करते हैं तो लीफलेट की जो अपर सरफेस है, अपर सरफेस, मैं इसको हाईलाइट कर रहा हूं ब्लू कलर से, ये जो आप टच करते हैं, जो अपर सरफेस पे सेल्स होते हैं, इनमें से पोटाशियम आयन निकल जाता है और बाद में यही इन्हीं सेल में से वाटर भी निकल जाता है। एक्चुअली वाटर निकलने से ये लीफलेट की इन सरफेस के जो सेल्स हैं उनमें टर्बो प्रेशर लॉस हो जाता है, यहां से पल्विनस सॉफ्ट हो जाती है, जबकि लोअर सरफेस के जो सेल हैं, लोअर सरफेस, यहाँ पे टर्गर प्रेशर बढ़ जाता है। तो देखिए, लोअर सरफेस पे जब टर्गर प्रेशर बढ़ गया, अपर सरफेस पे लो हो गया, तो नीचे से प्रेशर लगेगा और ये लीफलेट फोल्ड होती है इस पोजीशन में एक दूसरे के साथ टच करता है। तो यहाँ पे लीफलेट की जो पल्विनस है, इनकी अपर सरफेस पे टर्गर प्रेशर बढ़ जाएगा, सॉरी कम हो जाएगा, और लोअर सरफेस पे टर्गर प्रेशर बढ़ जाएगा। इस तरह नीचे से प्रेशर लगता है, दोनों लीफलेट एक दूसरे की तरफ फोल्ड होना शुरू हो जाती है। ये भी एक तरह की मूवमेंट ही है और ये इतना स्लो प्रोसेस है कि जो ही आप इसको टच करेंगे तो ये सेकंड्स के अंदर अंदर ये पूरा लीफ फोल्ड हो जाएगा। हम कहते लोग छूने से पत्ता मुरझा गया है, लेकिन फिर उसके बाद ऑलमोस्ट 10 मिनट्स के बाद, 10 मिनट्स, 10 मिनट के बाद ये पत्तियां दोबारा खुलकर अपनी नॉर्मल पोजीशन पे आ जाती हैं। ये वाली पोजीशन जो मैंने नॉर्मल पोजीशन शो की, अब ये नॉर्मल पोजीशन कैसे डेवलप होगी? अब अपर सरफेस पे टर्गर प्रेशर हाई हो जाएगा और ये लोअर सरफेस पे टर्गर प्रेशर लो हो जाएगा।
अब अपर साइड से प्रेशर लगेगा लोअर साइड पे और पत्तियां दोबारा सीधी होती हुई अपनी नॉर्मल पोजीशन पे आ जाती हैं, लीफलेट दोबारा अपनी नॉर्मल पोजीशन पे आ जाती है। देखिए अब कॉमन बात है, बड़ी बुनियादी बात है कि लीफलेट फोल्ड हुई है तो फिर भी टर्गर प्रेशर के चेंज की वजह से, और लीफलेट दोबारा सीधी हुई है अपनी नॉर्मल पोजीशन पे तो वो भी टर्गर प्रेशर चेंज होने। फर्क सिर्फ ये देखना है कि टर्गर प्रेशर कहाँ पे बढ़ेगा तो किस तरफ मूवमेंट होगी। अगर अपर सरफेस पे ये जिसको मैं यू एस लिखा है अपर सरफेस, यहाँ पे टर्गर प्रेशर कम हो जाएगा, और लोअर सरफेस पे जिसको एल एस मैंने लिखा है यहाँ पे टर्गर प्रेशर बढ़ जाएगा तो डेफिनेटली लीफलेट फोल्ड होना शुरू हो जाती है। अपोजिट करें, अब लोअर सरफेस पे टर्गर प्रेशर कम हो जाएगा अपर सरफेस पे ज्यादा हो जाएगा तो इसकी वजह से फिर लीफलेट ओपन होना शुरू हो जाए, दोबारा नॉर्मल पोजीशन पे आ जाए। तो ये क्योंकि इस मूवमेंट में बड़ी अचानक ही मूवमेंट होती है, जो ही टच करते हैं फौरी तौर पे लीफलेट आपस में फोल्ड हो जाते हैं, टच करना शुरू कर देते हैं, तो इस मूवमेंट को हमने क्या नाम दिया, रैपिड मूवमेंट ऑफ लीफलेट। इसमें रात दिन या रोशनी अंधेरे का कोई अमल दखल नहीं है, इसलिए इसको स्लीप मूवमेंट नहीं कह सकते, इसका नाम क्या होगा, रैपिड मूवमेंट ऑफ लीफलेट। अब जिन जिस हिस्से में भी आप इस प्लांट के लीफ को छुएंगे, टच करेंगे, चाहे वो दिन का टाइम है, रात का टाइम है, कोई भी वक्त आप छुएंगे तो यही मूवमेंट शो होगी जो मैंने स्क्रीन पे आपको समझाने की कोशिश की। ऑटोनॉमिक मूवमेंट की नेक्स्ट टाइप की तरफ चलते हैं, ग्रोथ मूवमेंट। अब इसको भी जरा समझिएगा, नाम से जाहिर हो रहा है कि इसमें प्लांट का कोई ऑर्गन है, कोई भी ऑर्गन, वो स्टेम है, वो लीफ है, वो रूट है, तो प्लांट का कोई भी ऑर्गन है तो इसके दो साइड पे ग्रोथ अनइक्वल हो जाती है, और इससे जाहिर है प्लांट के ऑर्गन में झकाव पैदा हो जाता है, वो अपनी नॉर्मल पोजीशन पे नहीं रहता, तो जब पोजीशन चेंज हो जाती है तो इसको मूवमेंट ही कहते हैं। अब इस तरह की ग्रोथ मूवमेंट आपको किसमें मिलेगी, स्टेम में मिलेगी, रूट में मिलेगी और टेंड्रिल। पहले तो इसको समझे, टेंड्रिल हमने फर्स्ट में पढ़ा था कि कुछ प्लांट ऐसे हैं जिनके लीफ एंड के ऊपर थोड़े मॉडिफाई हो जाते हैं और ऐसे वायर लाइक स्ट्रक्चर बन जाते हैं, ये इस वायर लाइक तार जैसी बारीक स्ट्रक्चर को आप क्या कहते हैं, टेंड्रिल, दैट इज नोन एज टेंड्रिल। ये समझ ले लीफ की मॉडिफिकेशन है, या पूरे का पूरा लीफ ही इस तरह स्पाइरल फॉर्म में या वायर लाइक स्ट्रक्चर में तब्दील हो जाता है, या लीफ का एक पोर्शन वायर लाइक फॉर्म में तब्दील हो जाए, इसको हम टेंड्रिल कहते हैं। अक्सर आपने ये जो अंगूर की बेल होती है उसके पत्तों पर इस तरह की वायर्स बनी हुई देखेंगी। इसके अलावा बड, बड जो है इसकी बहुत सारी एग्जाम्पल्स हैं, लेकिन हम बहुत सादा तीन अल्फाज में ये कहते हैं कि जो फूल की कलियां होती हैं, जो फूल अभी खिला नहीं होता उसको भी आप बड कह सकते हैं, या अभी लीफ जो है वो अभी ओपन नहीं हुआ, फोल्डेड फॉर्म में है, तो उसको भी आप बड का नाम दे सकते हैं। तो अब ये जो मूवमेंट है, इनमें जब भी कोई मूवमेंट होगी वो ग्रोथ के फर्क की वजह से होगी। अब ये ग्रोथ मूवमेंट फर्दर तीन टाइप की हैं। पहली टाइप है जी एपिनेस्टी, मैं इसको एक्सप्लेन करने लगा हूं एपिनेस्टी को। पहले तो एपिनेस्टी देख लेते हैं होती क्या है, कि मैं इसको एग्जांपल से एक्सप्लेन करता हूँ।
लीव भी इस तरह की मूवमेंट शो करते हैं और पेटल भी जो फूल की रंगदार पत्तियां होती हैं वो भी इस तरह की मूवमेंट शो करते हैं। कैसे ये मूवमेंट होगी? मैंने कहा बड़ा दिलचस्प मेथड है, ध्यान रखिएगा जी। बेटा ये वही सिलसिला जो अभी मैंने बताया था ना मेमोसा प्लांट में, लेकिन थोड़ा फर्क इस चीज का है कि मेमोसा प्लांट में जो मूवमेंट होती है वो टर्गर प्रेशर चेंज होने की वजह से होती है। अब सेम उसी टाइप की मूवमेंट है, लेकिन अब इसके पीछे रीजन टर्गर प्रेशर नहीं है, यहाँ पे रीजन क्या है, चेंज इन ग्रोथ। अब एपिनेसी को मैं एक्सप्लेन करने लगा था, एपिनेसी क्या है। अब आप ये सपोज कर लेते हैं कि हमारे पास एक फूल की कली है, ऐसा फूल जो अभी खिला नहीं हुआ। मैं बेटे इधर ड्रॉ करने लगा हूँ, ये एक फ्लावर है जो अभी खिला नहीं हुआ, ये बड की शक्ल में था, इट इज इन फॉर्म ऑफ बड, कली की शक्ल में, इसको फ्लोरल बड भी कह सकते हैं आप। और इसमें जो पत्तियां आपको नजर आ रही हैं, जो बंद पत्तियां हैं, इनको पेटल कहा जाता है। ये अब लीफ की जिस साइड को मैं रेड कलर से शो करूंगा ना, उस साइड को अपर साइड कहा जाता है, ये जो रेड कलर वाली साइड है। और जिसको मैं पिंक कलर से शो करने लगा हूँ, ये कौन सी साइड होती है, लोअर साइड होती है। अब जो ही अपर सरफेस पे ग्रोथ ज्यादा हो जाएगी, अपर सरफेस पे ग्रोथ ज्यादा हो जाएगी, वहां पे सेल की तादाद बढ़ेगी, जाहिर है वहां पे एक फोर्स जनरेट होगी, प्रेशर बढ़ेगा, बोझ बढ़ेगा, तो उसका नतीजा क्या निकलेगा जरा देखिएगा। यही बंद कली अब खिल जाएगी, ले जनाब ये फूल खिल गया, ये जितनी पेटल्स हैं ये खुल गई हैं, और अब हम कह रहे हैं कि ये फूल खिल गया है। इस मूवमेंट को कहते हैं एपिनेसी। एपी का मतलब क्या होता है, ऊपर। तो फूल की पत्तियों की ऊपर वाली सतह पे ग्रोथ ज्यादा हो जाती है, सेल की तादाद ज्यादा बढ़ती है, प्रेशर बढ़ता है, और नतीजा ये फूल की पत्तियां एक दूसरे से पीछे हटना शुरू हो जाती हैं, फूल खिल जाता है। अगर फर्ज करें कि यही फूल फिर बंद भी होना हो, तो अब इसको अपोजिट साइड पर चले जाते हैं, हाइपोनेसी। अब हाइपोनेसी का मतलब क्या होगा जी, ये भी चेक कर लें। अब लोअर सरफेस पे ग्रोथ ज्यादा हो जाएगी, मैंने बताया लोअर सरफेस को बेटे मैंने पिंक कलर से मेंशन किया हुआ जी ये। अब फूल की खिली हुई पत्तियां जो हैं इनकी लोअर साइड पे ग्रोथ ज्यादा हो जाएगी, अपर सरफेस पे ग्रोथ कम हो जाएगी, नतीजा यही खिला हुआ फूल दोबारा बंद होना शुरू हो जाता है। ये तो जब भी एपिनेसी का जिक्र हो तो समझ ये फूल खिलने की बात हो रही है, और जब हाइपोनेसी का जिक्र हो तो समझ जाए ये फूल खिले हुए फूल का दोबारा बंद होने का प्रॉब्लम। उसके बाद हम एक और एग्जांपल देते हैं ग्रोथ मूवमेंट की, और वो एग्जांपल हमारे पास है म्यूटेशन। मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ ताकि आप क्लियरली इसको अच्छी तरह समझ सकें। म्यूटेशन इस तरह की ग्रोथ ज्यादातर आपको मिली स्टेम में, ज्यादातर, वरना रूट में भी हो सकती है। और ये जो लीफ मैंने बताया ना, टेंड्रल जो पत्ते का एक हिस्सा तार की तरह स्पाइरल फॉर्म में चला जाता है। अच्छा आप देखिए ये मूवमेंट किस तरह से होती है, पहले तो बुनियादी चीज समझ लेंगे। ये आप देखेंगे स्टेम की ये नॉर्मल पोजीशन है, इसकी दो साइड है जी, ए साइड और बी साइड, ये स्टेम। अगर बेटा इसकी ए साइड पे ग्रोथ ज्यादा हो जाए, इस साइड पे ग्रोथ ज्यादा होगी, मूवमेंट हमेशा उसकी अपोजिट साइड पे होगी,
अब यही स्टेम जो है ये थोड़ा टर्न हो जाएगा, किस साइड पे, डी साइड पे टर्न हो जाएगा ये। अब स्टेम इधर झुक गया ये, और अगली दफा ग्रोथ बी साइड पे ज्यादा हो जाएगी, ये बी साइड पे ग्रोथ ज्यादा होगी, तो स्टेम का जो नेक्स्ट पोर्शन है वो किस जानब झुक जाएगा, वो ए साइड वाले पे झुक जाएगा। नतीजा जब बार बार यही काम होगा तो ये स्टेम थोड़ा ऐसे स्पाइरल फैशन में नजर आता है। और स्पेशली आपने देखा होगा कि जो ये अंगूरों की बेल होती है या ये फूलों की कोई भी बेल हो, वो किसी भी स्पोर्ट के इर्द गिर्द लिपटी होती है, और उसके लिपटने का जो स्टाइल है ऐसे स्पाइरल फैशन। ये जो पिंक कलर का रॉड है ये समझे कोई स्पोर्ट है, और रेड कलर की जो मैंने लाइन बनाई है समझे कि कोई स्टेम है या पत्ते का कोई मॉडिफाइड पोर्शन है, टेंड्रल है। तो देखिए ये स्पोर्ट के अंदर स्पाइरल फैशन में लिपटना शुरू हो जाती है, इतनी कि ये जिग जैग मूवमेंट हो रही है। कभी स्टेम एक जानब ज्यादा झुक गया, फिर अगली अपोजिट साइड पे, फिर दूसरी साइड पे, फिर दूसरी साइड पे, तो इस तरह की जिग जैग जो बेंडिंग होती है स्टेम की, इसको हम म्यूटेशन कहते हैं। और ये किस वजह से होती है जी, डिफरेंस ऑफ ग्रोथ। चलिए ये बताएं, स्टेम में जिस जानब झुकना होता है उसी साइड पे ग्रोथ ज्यादा होती है, ग्रोथ अपोजिट साइड पे होगी, ग्रोथ बेटे अपोजिट साइड पे होगी। जिस साइड पे ग्रोथ ज्यादा हो जाती है मूवमेंट हमेशा उसकी अपोजिट साइड पे होती है। जैसे सुन लें, स्टेम या लीफ जिस साइड पे ग्रोथ ज्यादा होगी, सेल की तादाद ज्यादा हो जाती है, मूवमेंट उसके अपोजिट साइड पे होती है। तो जब अल्टरनेटिवली बारी बारी दोनों साइड पे ग्रोथ ज्यादा होगी, तो स्टेम की मूवमेंट या रूट की मूवमेंट किस तरह की हो जाएगी, जिग जैग फैशन उसकी ग्रोथ होती है। तो इस तरह की ग्रोथ को हम क्या कहते हैं, म्यूटेशन का नाम। तो दैट्स ऑल अबाउट ऑटोनॉमिक मूवमेंट। फर्दर इसके बारे में कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हो।